हेलो दोस्तों, मैं हूं गुणजीत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक पिक्स। जैसा कि दोस्तों अपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, एनआरसी की एक अच्छी खबर है। और क्या सच में मुसलमान लोग आतंक भय भ्रम में जी रहे हैं? केंद्रीय मंत्री ने एनआरसी के बारे में क्या कहा और मुसलमान लोगों को क्या कहा? देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है ये एनडीटीवी की ओर से आ रहा है ये न्यूज़। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। नो थ्रेट्स टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर ऑन एनआरसी। भारतीय लोगों को नागरिकता के कई खतरा नहीं, केंद्रीय मंत्री एनआरसी पर। मतलब कि उनका ये जो आर्टिकल है, उनका जो है ये जो है पिक्चर जो देख रहे हैं आप, ये है मुख्तार अब्बास नकवी, ये बीजेपी के लीडर है एक। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये जो दोस्तों देखिए एक बात, ये जो है अंग्रेजी में है, मैं यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। और यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पर भयभ्रम माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारतीयों की नागरिकता के लिए खतरा नहीं है। मतलब कि अगर आप लोगों के पास जो है डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, या आप सच में भारतीय नागरिक ही है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा है उन्होंने, नकवी जी ने। श्री नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक जन चौपाल में लोगों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि लोगों को अपने नागरिकता साबित करने के कई अवसर मिलेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निहित स्वार्थ वाले लोग कुछ एनआरसी के मुद्दे पर भ्रम, भय और आतंक का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री ने कहा। तो यहाँ पर बहुत सारे विरोधी जो है पॉलिटिशियन जो है वो विरोधी जो भयभ्रम का माहौल बना रहा है, उन्होंने ये भी कहा है। और यहाँ पर श्री नकवी ने अपने कार्यालय द्वारा जारी किया गया एक बयान में कहा कि हमें ऐसे लोगों से साजिश से सावधान रहना चाहिए। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे ही माहौल में जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे विदेशी ताकतें भी है। उसके बाद देखिए उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्रीय अवैध आबादी नहीं उठा सकता, अवैध अप्रवासन का मुद्दा लंबे समय से है, लोग लंबे समय से विदेशियों की घुसपैठ के खिलाफ है, हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सच्चे नागरिकों के अधिकारों को हम हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये इन सारे मतलब ये है इन सारे आर्टिकल का, तो शॉर्ट करके मैं बता देती हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट है उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग असल में भारतीय लोग हैं उन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन लोगों के नाम अगर एनआरसी के लिस्ट में नहीं आया है, तो दोबारा उन लोगों को जो है मौका दिया जाएगा। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो आप लोग अपील कर सकते हैं, उससे पहले जो है आपको फॉरेन ट्रिब्यूनल में अप्लाई करना होगा। जब एनआरसी की जो ऑफिस से जो है आप लोगों को एक लेटर मिलेगा जिसमें लिखा होगा किस कारणवश जो है आप लोगों के नाम नहीं आया है एनआरसी के लिस्ट में। उसके बाद जिन जिन स्टेट में जो है एनआरसी शुरू होने की बात कही जा रही है, त्रिपुरा हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, तो वहाँ पर बात की बात है कि कब से वहाँ पर शुरू होगा, कैब कब लाया जाएगा, तो इन सब चीज़ों में बातचीत हो रही है। तो खासकर मुसलमान लोगों की बात कहें तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग भय के माहौल में भी जी रहे हैं मुसलमान लोग। तो उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट है और वो असल में भारतीय लोग है, ठीक है, तो उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे पॉलिटिशियन हो या फिर अन्य कोई लोग हो बहुत सारे, तो वो लोग माहौल को ख़राब करने में लगे रहते हैं। तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत, आप लोगों के पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ ठीक ठाक है जो एनआरसी के लिए पर्याप्त है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यही था वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा और भी एनआरसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।